गते को इन औकला ओडिशा खान और इतना संतानी ब्लॉग दोस्तों वेलकम टू सांता ब्लॉग सो फ्रेंड ये फाइनली खिल चुका है ये सेकंड ब्लूमिंग है इसका और इसमें अभी और बर्ड्स नहीं है और ये वाले जो की फर्स्ट ब्लूम की थी सो so, नोने हाँ। बहाा दो चेक मतलब बनूनी सो नुक जाना सो काटका पे गान काट रहा चलान बै साड़ मैं बै फुटोको टाइम बैकना तुरे घुटू मेक साका सीज बेबून सेड़ा इदिगे हूँ तहकें है सो तो जहाँ चलका शतमें बेस ग्रोथ हुए चेहरा ग्रो आपको एडियम नियम टेबल रस जो टेबुल सीजन उसका नहीं नही फिर मुझे कटिंग मिली थी तो इनको लगा सो नेक्स्ट समर लगे, लगे। रियार दिन बाहर so, मेरे गार्डन में बहुत वर्क चल रहा है सो so, दो तीन दिन के लिए बंद था सो so, नेक्स्ट कल से मैं फिर से स्टार्ट करूंगी और यहाँ पर जो कि चिड़िया नहाते हैं सो so, इसलिए इसके प्लांट सब खराब करे सोना so, आको सो so, वाटर ले है तह उमुग खान को सुर सुर दारे खराब एडिनियम बहाा घुटुना नाने उन्टर बहाा दारे को मेरा नुरे मैं घुटू तो बनू आनी पु की रिपोर्ट करें कोडेक्स आज बेस गया सो हल्दी गाँवियम सो इसमें अभी इतने बहुत जल्दी बर्ड्स आ रहे हैं जबकि फेब्रवी जनवरी फेब्रुवारी को बहारे कथा सो so, नित तो खी बह मानी घुटू हजेन गया नाते बहाा दारे को ठीक so, है घुटते अड़ी हामाला सो इी बार्ड थोड़ा सा हेबी है हो स्की दा मैंने दर हों झुकते तहनती दोए दी को चीत निहा दरकारा उनको और नेंडे जहाँ चेपेश को नो टेबुल रोस रोह कोई नुको भिना कालर कर नाते इनपेश रेड कलर कहे इग्रो बहुत ही अच्छी हो रही है और यहाँ पर मेरे वाटर लिली है और लोटस ए सो so, लोटस माइको लोटस ठीक को गया को को पारो उम बड़ा खराब इतिगर नी सेबी ना एडकाे नुआ घुटू तेज बहा चेहरा बुझे कि बारे अगू कि रोज रिपोर्ट नहीं और बाकी बात को बाक बहा फुटोकना एडिनियम जहाँ देसी वाला हम सी भेर नुरे बहान शतुमार ये जो विश्वस मेरे कटिंग सीज को ग्रो की थी ये भी बहुत अच्छी ग्रो हो गये हो गई है सीजन बातना फिर भी नुक को कर कोई सो इनकी सीजन नहीं है फिर मैंने इनकी मैंने सेब लगी कर कोई और ये पिटूनिया जो कि मैं इनकी पिंचिंग करते जा रही हूँ जिससे कि ये प्लान बहुत अच्छी घना होता जा रहा है मिठाई के स्ट्रॉबेरी दारे में के बारे मे कि और कुछ कटिंग में लग जाने के बाद मैं इनको रिपोर्ट कर और नोदी सर बड़ा जहाँ नुक हेल्थ अड्डी चेहरा गया बिगुनिया जहाँ से बाहर ही जाकर तहन करना सो इसमें फ्लावर आ रहे हैं जो कि आपको रखना नहीं है इनको कट कर देना है जिससे कि प्लांट की, की ग्रोथ अच्छी हो और प्लांट हेल्दी हो इससे और दो तीन प्लांट हम बना सके सोना को बाहर बन वाले सब हाइब्रिड वाले वेराइटी है इसलिए इनको ज्यादा बड़े पोर्ट की जरूरत नहीं होती है सो छोटे में भी बहुत अच्छी तरह से ये ब्लूमिंग करते हैं बस बीच बीच में आपको खाद देना है और सनलाइट इनके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर जो कि मेरे सकुल है जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत अच्छे चल रहे हैं और इसका कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि पिंक पूरा बाई न सो चेक बैंक करना बढ़ाया और नेड़े किची तक गया को। इसमें एक भी बर्ड्स नहीं आए पर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है अगर ब्लूमिंग नहीं हो रही है तो आप इनमें पोटास थोड़ा सा दे सकते हैं जिससे कि इसमें फ्लावर बर्ड्स आए और नोआ तेज जहां चीज सकुलर नुको बेस गया और अभी विंटर में इनके फ्लावरिंग का सीजन करना सो बहा गया को ना कैक्टस भी ये भी स्टेबल हो चुका है इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है सो so, इसमें फ्लावर किस किस कलर का आएगा मुझे पता नहीं है और ने कार्नेशन में नया आ ने बेलून जहाँ बहादारे में ना को सो ओना हो में ना आ ने तीन किसी मिट्टा का गुलाब में ना और नडे तीन पेंटास में ना को सो so, नहीं को आहों बेस भाग का ना सो so, इसकी प्लान की यानी कि साइज कुछ चिरा भाई ये अगना सो so, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग भी लगाई थी जो कि ये चल गई है और यहाँ पर मेरे मिर्ची का प्लांट जो कि इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया की सीट डाल दी थी जो कि इसमें डायरेक्ट ओडो की दिखना सो जर्मिनेट हो चुके हैं तो वे बताए ग्रो ही दिया को ना, किसी विंटर बाहर दारे मना हुआ जहां से जेरेनियम नाया डेजी मनाया सेबी मना हुआ नुकु को नोडे धोवा कर को किसी गेंडू बहादार कर रहे कर को और इसमें भी बर्ड्स आ रहे हैं तो अभी आप इनमें फ्लावर मत लीजिए जो कि मेरे प्लांट जैसे इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है सो तो इसलिए मैं इनकी बर्ड्स को कट कर रही हूँ जितना ज्यादा ग्रोथ होगी या है, तो जितने ज्यादा ब्रांच होंगी उतनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग आएंगी सोना लगे उनको कोर जहाँ घुटू का उनको कटका को करी कट का करेंडे जहाँ से करी पत्ता दारे में सो साइड बनाया करूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत धूप मिल रहा है इनको सो so इसलिए मैंने इधर इनको शिफ्ट कर दी हूँ मैंने धोआ कर और यहाँ पर मेरे डेजी है बैलून फ्लावर है और यहाँ पर मेरे जो कि किचन वेस्ट में ऐसे ही डाल देती हूँ कुछ कुछ प्लांट में और ये मेरा बेर का प्लांट जिसमें फ्लावरिंग हो रही है और नडे लिलियम बना है so सो इसमें अभी तक कुछ इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है और नडे बैलून बाहर दारे को और नडे तेज इनडोर दारे को मेरा और यहाँ पर वाटर लिली है जो कि इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और नोते लोटासना को कुछ वाटर लिली के प्लांट है और मरीज दारे जहां लातारे रोहया क्या को नाने जेतरद उथ बनू आनी ना लिलियम कोर घुटू हजन गया ने आ खराब ना नु ये थोड़ा सा इन डल दिख रहा है और बल्ब बाल्ब नुक अड़ी हेल्दी गया को बे गया को सो तो आई लगे घुटना को आ नड़े तीन किच्छी उन्टर बहाा दारे को नें ही थीम कटिंग कृषण कर रोह आने डालिया जहाँ चेक पींची इदी को कर, नुकरे ब्रांच उडो दीगेना को और घनाई घना दिखना। सो डालिया को भी आप पिंचिंग कर सकते हैं जिससे कि इसकी रो, इसकी ब्रांच और ज्यादा निकले सेबती कोई कुछ जादा फ्लावर प्लान नहीं लगाएं जेरे जेरेनियम हना दारे आपको इन प्लान को यानी कि बीच में साफ करना है जैसे कि दूसरे प्लान ग्रो ना हो पाए सो so, नापाय का दारे को जो ग्रो इी खान को दारे तपे खराब इन उदिया so, so, तला तला कुंडों साफा निहती दरकार लिलियम रोहना को तीन ठीक है बेस ग्रो करना को बहा लगे बहा सो मैं लास्ट में ना उनको मे उनके तीस बहा कर कलांथिया दारे तीन बेसें बहान कर बहार निक हड़ि हूँ बहाता बहा दूँज उ पर नुक साका चेहरा गया सो नुक साका चेहरा तुम कहू बे इनडोर दारे नुनी के चिली में बनाया सूस प्लान को क्या बोलते पता नहीं और यहाँ पर डांथा जो कि फ्लाविंग कलरा एक् फ्लॉरिंग कलरा उसकी दो तीन काटिंग में लगोन एडिनियम सर्कुलेंट दारे को ना बन नुक ठीक हेल्दी के बेस गया को सो so, जेत को ग्रोथ नितार्टिया सो so, खाली कटिंग आते और या प्रोपोगेट यानी लिप से प्रोपोगेट करना बाकी है जो कि मैंने स्टार्ट नहीं की और अभी आपको दिख रहा है कि इनमें धूप पड़ रही है सो सन्ध्या बे जहा तीन सन्ध्या हो चेता हम सितु निहाती दरकार यानी कि एक टाइम पे इनको धूप चाहिए एक घंटे या तो आधा घंटे सो ज्यादा से ज्यादा दो घंटे के सनलाइट उससे ज्यादा नहीं और विंटर की दिन भर की सनलाइट इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और यहाँ पर मेरे कुछ कैक्टस है और सकुलेंट है जो कि बहुत ही अच्छे और हेल्दी चल रहे हैं अन्य पेंटादारे में आ जो कि ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है और जितने भी फ्लावर बर्ड्स यानी खिल चुके हैं सो इनको मैं कट कर, कर देती हूँ जिससे कि प्लांट और थोड़ा सा घना हो जाए और ये वाले प्लांट जो कि मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है जो कि ये बहुत ही अच्छी है थोड़ा सा प्लांट का सेप थोड़ा अच्छा नहीं है सो उसकी कटिंग में लगा लूंगी सो उनको को ठीक कवा ना आकूआ हम दारे सेप उन उ बे बनानी नुक को कटिंग इदी को खान ठीक आने तेज किसी इंडोर दारे जहाँ चीज रेड कलर आ तुम ना इन बन बड़ा, सो इसमें भी आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे पर मेरे पास ये नॉर्मल वाली वैरायटी है और ये मधुकाम जो कि इसमें बर्ड्स आए हैं और ये वाली लोटस में बर्ड्स आए हैं जबकि अभी इसका ब्लूमिंग का टाइम नहीं है फिर भी घुटू हज करो खान शायद बहाा का तहना दारे या तो ठीक इतिमा घुटू हजक और दारे मानी तो ग्रोथ अभी चेहरा दीग्कर लिप्स भी बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी हो रही है सो तो लगे नुरे की घुटू हजकना और नुर वाटर लोल्ले जहाँ जिसम बड़ा और यहाँ पर डिस्चिटिया